अच्छे से क्लियर होगा बाकी बच्चे। ओके चलिए देखते हैं यहाँ पे। सो पहले में क्या है, यहाँ पे फर्स्ट हाफ में आपको ये दिखाई दे रहा है, स्लोप क्या हो रहा है भाई, स्लोप यहाँ पे आपका डिक्रीज हो रहा है। स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है भाई, वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है, करेक्ट। तो आसानी से हम यहाँ पे देख सकते हैं, इस पॉइंट पे आप क्या करो, यहाँ पे स्लोप निकाल लो और यहाँ पे स्लोप निकाल लो। तो स्लोप के लिए आप क्या करो ना भाई, इस डंडे को याद रखो, मतलब ये जो टेंजेंट रूपी जो हम ये स्टिक बना रहे हैं ना, ये आपका क्या है भाई, ये आपकी स्लोप की डेफिनेशन है ना। अब ये जो स्टिक, ये जो डंडा है, जितना स्टीपर बनेगा उतना ही ज्यादा स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा, करेक्ट। बस ये बात आप याद रखो। तो अभी देखिए यहाँ पे स्लोप अभी ऐसा है, ठीक है, उस पे स्टीपर है, जैसे आप आगे जा रहे हो तो स्लोप क्या हो जा रहा है, डंडा थोड़ा सा लेस स्टीपर बन रहा है, डंडा क्या हो रहा है भाई, थोड़ा सा लेस स्टीपर बन रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, ओके, मानव एंड अंकुर आर टू न्यू स्टूडेंट्स, वेलकम मानव एंड अंकुर। ओके ओके मानव एंड अंकुर, आप जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व व्हाट एवर इज गोइंग ऑन इन द क्लास, और फिर आपको अच्छे से समझा देंगे फिर। ओके सो नाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, स्लोप को ऑब्जर्व करेंगे, है ना। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे इसका जो टेंजेंट है ना, यहाँ पे दो पॉइंट्स, एक पॉइंट ए और यहाँ पे पॉइंट बी, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो तो ये स्लोप क्या होता जा रहा है भाई, ये डिक्रीज होता जा रहा है, करेक्ट। स्लोप क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट। और बाद में फाइनली आते आते यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है भाई, एकदम से फ्लैट होते जा रहा है। एकदम से क्या हो गया भाई, ये पूरा का पूरा फ्लैट हो गया, है ना। मतलब अभी देखो इस स्टिक की बात करें हम यहाँ पे, तो स्टिक पहले कैसा था भाई, पहले ऐसा था, फिर बाद में कैसा हो गया, ये बाद में थोड़ा ऐसा हो गया, फिर तीसरे पास जाके कुछ एकदम बिल्कुल ही फ्लैट हो गया, है ना। तो इसका मतलब इसकी जो स्टीपनेस है, जो टेंजेंट की, वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो यानी कि हमने यहाँ पे पता चला गया कि वेलोसिटी जो थी पहले t इज इक्वल टू जीरो पे, सॉरी उस टाइम पे वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, यहाँ पे पॉजिटिव है वेलोसिटी, ओके। तो वेलोसिटी पहले तो है, फिर हमने ये देखा कि वेलोसिटी, ये जो इनका जो टेंजेंट है, जो इनका जो स्लोप है, वो क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है। तो स्लोप रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा भाई, इसकी वेलोसिटी भी क्या हो गई, रिड्यूस होने जा रही है ना। वेलोसिटी भी क्या हो रही है, रिड्यूस होने जा रही है। नाउ अभी देखिए ध्यान से, तो वेलोसिटी पहले पॉजिटिव थी, फिर बाद में क्या हो गया, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, और यहाँ पे वेलोसिटी हो गई जीरो। ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पे वेलोसिटी हो गई जीरो, करेक्ट। नाउ अभी देखिए आप यहाँ पे सेकेंड हाफ की बात करें, है ना। तो सेकेंड हाफ पे आप इधर भी एक स्लोप बना लो, आप कहीं भी आप एक स्लोप बना लो, कहीं भी एक स्लोप निकाल के आप देख लो, आपको पता चल जाएगा वेलोसिटी क्या है भाई, यहाँ पे निगेटिव है, बिकॉज स्लोप क्या है भाई, आपका थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना। तो स्लोप 90 से ज्यादा है, थीटा 90 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, टेन की वैल्यू आएगी अभी आपकी निगेटिव, करेक्ट। कितना पता है आपको ना। अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये जो आपका जो दूसरा कर्व है, ये जो आपका जो सेकंड वाला कर्व है ना, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स पे हम स्लोप बनाने की कोशिश करेंगे, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये आपका, ठीक है। तो नाउ अभी देखिए यहाँ पे ए पहले वाले पॉइंट पे मैं स्लोप बनाता हूँ तो कुछ ऐसा है, ठीक है। इस दूसरे वाले पॉइंट पे, डी पॉइंट पे मैं स्लोप बनाता हूँ, ये डी पॉइंट पे स्लोप आएगा, ये कैसा आएगा, ये ऐसा आएगा। आप मुझे बताओ, सी पे जो टेंजेंट है वो ज्यादा स्टीपर है या डी पे जो टेंजेंट है वो ज्यादा स्टीपर है? यस यस गिव रिस्पॉन्स फास्ट, सी पे ज्यादा स्टीपर है टेंजेंट या फिर डी पे ज्यादा स्टीपर है, आप बताइए। हाँ बच्चों, गिव रिस्पॉन्स, बताइए बताइए फास्ट, सी पे टेंजेंट ज्यादा स्टीपर है कि डी पे? अरे भाई डी पे है ना, ज्यादा तिरछा किधर है, मैंने जो डॉटेड लाइन खींची है वो ज्यादा तिरछा किधर है, डी पे है ना, समझ रहे हैं ना। तो जितना ज्यादा स्टीपर होता है वहां पे, उतना ही स्लोप क्या होता है भाई, ज्यादा होता है। यानी कि इसका मतलब एक और पॉइंट बना लो भाई, चलो आप यहाँ पे एक पॉइंट आप बना लो, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे की बना लो, यहाँ पे और स्लोप निकाल लो, तो नाउ दिस स्लोप इज मोर स्टीपर, है ना। यानी कि क्या हो रहा है भाई, स्लोप आपका ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा स्टीपर हो रहा है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, वेलोसिटी आपकी यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और किधर इंक्रीज हो रही है भाई, तो ये निगेटिव में इंक्रीज हो रही है, इसलिए ग्राफ को मैंने यहाँ से थोड़ा सा नीचे मैं यहाँ पे ले गया। यस एनी डाउट, अभी समझ में आया पूरा? हाँ बच्चों बताओ, पूरा का पूरा आपको समझ में आया, एनी डाउट, एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, पक्का, सबका रिस्पॉन्स है ये मुझे फास्ट। ओके ओके है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको ये सब समझा दिया, सब कुछ ये बता दिया। नाउ
अब वीटी ग्राफ पे हम वापस आते हैं ना। तो वीटी ग्राफ के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया था, तो वीटी ग्राफ के बारे में हमने आपको ये सिखाया था कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो क्या देता है हमें, तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन देता है ना। जस्ट एक बार मैं रिवीजन कर लेंगे वीटी ग्राफ का, एक बार फिर रिवीजन करेंगे वीटी ग्राफ का। सो नाउ थोड़ा ऊपर आते हैं, यस वेदांत बताइए। जस्ट देखते वीटी ग्राफ। सो ओके, तो वीटी ग्राफ में हमने क्या क्या देखा था, पर फिर से रिवाइज ही कर देते फटाफट। वीटी ग्राफ में हमने ये देखा था कि इसका जो एरिया अंडर जो वीटी कर्व होता है वो क्या देता है हमें, वो देता है हमें डिस्प्लेसमेंट देता है ना। तो जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, एक वीटी कर्व है हमारे पास, इट्स लाइक दैट। यहाँ पे हमने ऐसा एक वेलोसिटी टाइम यहाँ पे ऐसा ग्राफ बना लिया, करेक्ट। सो नाउ अभी दो बातें मैंने आपको बताई कि जो इसका जो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा है ना, तो इसका ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, दैट विल बी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, है ना। तो कोई भी आपके पास ग्राफ हो, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ होता है, इसका स्लोप कैसे आता है भाई, इसका स्लोप आता है वाई अपॉन एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। ऐसा आप करेंगे तो इसे क्या मिलता है आपको, स्लोप मिलता है। और हम ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, करेक्ट। तो ये जो इनका जो स्लोप है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इस फॉर्मूले से क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, करेक्ट। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ये वीटी कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या देता है हमें, वो देता है हमें एक्सेलरेशन, करेक्ट। वीटी कर्व का जो स्लोप होता है क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन होता है, करेक्ट। ये हमें पता चल गया। नाउ दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी, दूसरी बात क्या बताई थी कि अगर इस ग्राफ का, ग्राफ के अंदर का अगर आप एरिया ले लो, है ना, इस ग्राफ के अंदर का अगर आप एरिया ले लो, तो ये क्या आ रहा है भाई, अगर इसका आपको एरिया निकालना है, मान लीजिए क्या है, ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है। यहाँ देखिए हाफ इंटू, मान लीजिए वैल्यू यहाँ पे है 10 और ये टाइम टेबल यहाँ पे 5 दे रखी, तो अब इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब बेस क्या है भाई आपका यहाँ पे टाइम है, बेस कितना है 5 और ये 5 क्या है भाई ये टाइम, करेक्ट, इंटू 5 इंटू ये हाइट कितनी होगी इसकी 10 और ये 10 क्या है भाई 10 वेलोसिटी, करेक्ट। सो अभी क्या निकालना है भाई आपको यहाँ पे देखो ध्यान से, तो आप क्या करो वेलोसिटी को टाइम कर दे, है ना, आप वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करते क्या मिलता है भाई, तो हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। तो इस पूरे टॉपिक में दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, क्या क्या थी भाई, दो इंपॉर्टेंट बातें कि एक तो वीटी कर्व का स्लोप को क्या मिलता है हमें, एक्सेलरेशन मिलता है, और दूसरा वेलोसिटी इनटू टाइम यानी कि इसके अंदर का जो एरिया आता है वो एरिया हमें क्या देता है, दैट गिव्स डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। आई बात समझ में, यहाँ तक इस बच्चे को कोई डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले टॉपिक में मैंने आपको क्या बताया था कि कोई आपके पास वीटी कर्व है, कोई आपके पास एसटी कर्व है, तो उनका इंटर कन्वर्जन कैसे करना है ना। तो इंटर कन्वर्जन आप तभी अच्छे से जब आपको कर पाएंगे जब आपको एसटी कर्व के एनालिसिस अच्छे से पता हो, है ना, जब आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का एनालिसिस आपको बहुत ही अच्छे से पता हो तभी आप कर पाएंगे, है ना। इसलिए लेक्चर की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, आप उसको जाके एक बार देखो, दो बार घुमा घुमा के देखो, हर क्वेश्चन को आप खुद से करके देखो, है ना। और फिर उसके बाद आ जाइए आप वीटी कर्व पे, कल की रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है उसको भी आप अच्छे से करके देखिए, मैंने आप सब कुछ आपको रिवीजन करा दिया, और एक आध छोटे छोटे सवाल ले लेंगे। तो चलिए और एक आध क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, ओके। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, देखिए जैसे एक सवाल हमने यहाँ से लिया था कल का छोटा वाला क्वेश्चन, हमारे पास क्या है भाई, एक वीटी कर रहे हैं ना, वीटी कर भाई ये छोड़ो, एक सवाल ही करो आप अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे एक वीटी कर दे रखा है आपके पास, और यहाँ पे ये ऐसा बना हुआ है ये, और यहाँ पे इसकी लेंथ दे रखी है यहाँ पे आपको, यहाँ पे ये 10, और अचानक से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वेलोसिटी यहाँ पे उसकी निगेटिव हो जाती है, और इतना कुछ ऐसा आता है, ओके। नाउ इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रखा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी।
कैलकुलेट करेंगे, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। तो यहाँ भी नीचे भी ये वाला जो है ये भी कितना है, दिस इज आल्सो हियर 10, है ना। तो इस फिगर में एक वीटी कर्व है, सवाल है आपके सामने फाइंड फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें। चलिए सॉल्व करेंगे सभी लोग। Just calculate the distance and displacement. हाँ जी, क्या है डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट? सिंपली आपको एरिया इसके वीटी कर्व के अंदर का आपको एरिया निकालना है, दैट्स ऑल। Yes, answer again. हाँ, एक ट्राइंगल है, नॉर्मल सा ट्राइंगल जिसमें आपको बेस और हाइट दोनों दे रखी है। एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बस, है ना। तो देखिए ध्यान से, तो इसका मुझे डिस्प्लेसमेंट पहले कैलकुलेट करना है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई? सो द डिस्प्लेसमेंट इज द एरिया अंडर कर्व, सिंपल सिंपल डेफिनेशन। तो कर के भीतर नीचे का जितना भी एरिया है, यस करेक्ट आंसर कंचन, आंसर आया डिस्टेंस 50, डिस्प्लेसमेंट 0, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बाकी लोग देखिए आंसर यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे 0 से लेके 5 सेकंड तक वेलोसिटी क्या है, अभी यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर क्या है, पॉजिटिव है, और नीचे 5 से लेके 10 सेकंड में इधर वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है ना। तो अभी देखिए ध्यान से, मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा यहाँ पे हाफ इंटू और 5 इंटू 10, ओके। तो ये तो हो गया हमारा क्या भाई, पॉजिटिव है ना। और यहाँ पे ये जो आ रहा है नीचे का, इसमें क्या है भाई, ये है हाफ इंटू दिस 5, देखिए ध्यान से, ये नीचे इसका बेस कितना है, इसका बेस 5 है। नाउ ये रहा हमारा लेके रहा 5 से लेके 10 तक, यहाँ पे इसका भी बेस कितना है भाई, 5, करेक्ट। और इसकी हाइट कितनी है अभी यहाँ पे, 10। तो ये यहाँ पे 10, बट यहाँ पे क्या है भाई, ये माइनस है, दिस वेलोसिटी इज नेगेटिव, तो यहाँ पे एक साइन लगाएंगे हम माइनस का, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया भाई, ये आ गया 25, 25 माइनस 25, तो ये आ गया हमारा 0, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो सकता है, है ना, डिस्प्लेसमेंट भाई 0 हो सकता है, करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे 0, करेक्ट। बट डिस्टेंस क्या होता है भाई, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे मान लो 5 मीटर आगे गए, 5 मीटर पीछे आ गए, तो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, हो गया इसमें। बट ये 5 आगे गए, 5 पीछे गए, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका 10, करेक्ट। तो सिमिलरली अभी यहाँ पे जो आपका जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 25 प्लस 25, तो ये आ गया आपका यहाँ पे 50 मीटर, ओके। Yes. माइनस क्यों किया यहाँ पे, आप देखो ना, अगर आप इसका एरिया निकालोगे यहाँ पे नीचे का, ये नीचे वाले कर्व का आप एरिया निकालिए, तो आप इसका एरिया निकालो, है ना। तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है अभी यहाँ पे, ये वेलोसिटी क्या है भाई, माइनस 10। तो ऊपर क्या होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आप एरिया निकाल लो, कितना लिखेंगे, हाफ इंटू 5, 5 तो इस वाले एक्सिस पे है, इंटू ये कितना हो गया, होगा आपके पास माइनस 10, ओके। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ तो यहाँ तक समझ में आ भाई, किसी भी बच्चे को कोई डाउट?
एनी डाउट, एनी स्टूडेंट्स इज हैविंग एनी डाउट? तो सर समझ में आपको कि माइनस क्यों किया? यस हाँ भाई, एनी डाउट, एनी मोर डाउट? क्या सबसे हो पाया सॉल्व? है ना, तो इस बात का आप ध्यान रखें, जब भी आपके जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछे ना, तो जो नीचे वाला पोर्शन होगा, निगेटिव पोर्शन होगा, आपको क्या करना पड़ेगा उसमें, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए डिस्टेंस में कैसे आ रहा है डिस्टेंस, तो देखिए ध्यान से, डिस्टेंस के बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो कोई पार्टिकल अभी आपके पास यहाँ पे ऐसे चला, जैसे सही ओके तो अगर मान लो कि कोई पार्टिकल यहाँ से अपने घर जाता है, घर से आप स्कूल जाते हैं ना, मान लो कि आपने कहा कि आप अपने घर घर से आप स्कूल जा रहे हैं ना, घर से स्कूल की दूरी कितनी है? 25 मीटर ओके। और स्कूल से अगर आप वापस आते हैं, है ना, तो आने की दूरी कितनी है? 25 मीटर। तो 25 और 25 कितना हो गया? 50 हो गया, है ना। तो एक्चुअल में आप जितना डिस्टेंस चले हैं ना, वो डिस्टेंस आप कितना चले भाई, तो आप चले एक्चुअली में आप चले 50 मीटर, है ना। तो ये जो डिस्टेंस होता है क्या होता है भाई, ये स्केलर क्वांटिटी होती है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, पैसे आप जोड़ सकते हैं, करेक्ट। जबकि ये जो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। और डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन करते हैं हम, अगर मान लो आप यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ, है ना, तो बहुत ये मान लीजिए कि आपके यहाँ पे इनिशियल पोजिशन और ये आपका क्या हो गया, फाइनल पोजिशन। मान लीजिए ये लेंथ है आपके पास 20 मीटर, है ना, और ये लेंथ है आपके पास यहाँ पे 15 मीटर, करेक्ट। तो एक्चुअल में जो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 5 मीटर, है ना। तो अभी इनिशियल और फाइनल के बीच में कितने का डिस्टेंस है, 5 का। जबकि आप इनके जो डिस्टेंस देखेंगे, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 20 प्लस 15, ये जाएगा आपके पास 35, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे पार्टिकल 25 पॉजिटिव में गया, फिर 25 आपका नेगेटिव में गया, डिस्टेंस हो गया 25 प्लस 25, 50 हो गया। जबकि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो गया आपके 0। यस, एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सो यहाँ तक हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हमने अच्छे से सीख लिया, वेलोसिटी टाइम की ग्राफ हमने अच्छे से सीख लिया, है ना। नाउ अभी हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, अभी हम एटी कर्व की बात करेंगे, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम की बात करेंगे, है ना। तो बेसिकली हम अपने कोर्स में वीटी कर्व तक ही हम सीमित रखते हैं, बट जस्ट अगर मान लो कभी आपके पास एक्सेलरेशन ग्राफ दिया गया तो कैसा आएगा, वो आ जाएगा आपके पास ए वर्सेस टी, ऐसा कुछ ग्राफ रहेगा, है ना। सो यहाँ पे मान लो अगर आपका ग्राफ कुछ भी हो, कैसा भी हो, तो इसमें भी फिर वो बात रहती है कि इस ग्राफ में भी क्या आएगा, कुछ तो इसका स्लोप आएगा, है ना। तो आपके पास कोई एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है, तो उसमें सबसे पहली बात जो आप देखेंगे वो क्या देखेंगे, आप स्लोप देखेंगे, है ना। तो कैसा भी कर्व आपके पास, कैसा भी ग्राफ है, यू हैव टू सी द फर्स्ट थिंग, एंड दैट फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड स्लोप, है ना। तो वहां पे आप स्लोप देखेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि एक्सेलरेशन टाइम का जो स्लोप होता है, दैट स्लोप गिव्स द क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड जर्क, है ना। तो आपने सुना होगा जब गाड़ी चल रही है तो क्या हो रहा है भाई, हमें जर्क फील होता है ना। तो ये जो एक्सेलरेशन टाइम में जो एक्सेलरेशन में जो चेंजेस आते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड जर्क, ये क्या कहते हैं, जर्क। तो अभी हमें ये जर्क पढ़ना नहीं है, बिल्कुल भी हमें पढ़ना जर्क, है ना। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की उतनी हम बातें नहीं करते, बट फिर भी एग्जाम में कुछ आते हैं आपके पास एक्सेलरेशन टाइम के ग्राफ्स आते हैं, है ना। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, छोटा सा सवाल, है ना। पार्टिकल इज थ्रोन अप, क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड्स अपवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी 50 meter per second, है ना। 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हमने क्या किया, इसको फेंक दिया, करेक्ट। सो नाउ अभी आपको क्या करना है, ड्रॉ इट्स एटी ग्राफ, ड्रॉ इट्स एटी ग्राफ व्हेन इट वाज इन एयर, व्हेन इट वाज इन एयर। चलिए कैसे बनाएंगे आप, सोचिए इस सवाल को। अपने एक पार्टिकल ऊपर फेंक दिया, उस वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड, आप उसका एटी ग्राफ बनाना है आपको। चलिए कैसे बनाएंगे,
यस हाउ यू विल ड्रॉ द एटी कर्व, एटी ग्राफ कैसे बनाएंगे आप। यस आंसर आया, एक आंसर आया हमारे पास। कुत्ते हैं बहुत बाजू में, इसलिए डिस्टर्बेंस आ रहा है, अभी खत्म हो गया होगा। हाँ चलिए, नो कैसे बनाएंगे अब इसका ग्राफ, जस्ट बहुत इजी है, वेरी इजी। Is any guesses? सवाल पढ़ी डन है, बस तो क्या है फाइनल वेलोसिटी नहीं पूछी जा रही इसमें से, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम पूछा जा रहा है। हाँ फाइनल वेलोसिटी होगी सी। यस गिव अ रिस्पॉन्स फास्ट, कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना, जस्ट गो टू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, दैट्स ऑल, आपका सवाल वही हो जाएगा, सिर्फ आप कहां पे जाइए, आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाइए। हाँ थोड़ा सा सही आ रहे वस्तु, यस बाकी बच्चे कुछ सोच पा रहे हैं, हाँ ना कुछ तो बोलो भाई। चलो देख देखे ध्यान से यहाँ पे, सो आप क्या जानते हैं, जब भी आप किसी बॉल को हमने क्या कर दिया, नीचे से ऊपर फेंक दिया है ना, तो नीचे से ऊपर हमने किसी बॉल को मान लो यहाँ से ऐसा फेंक दिया, तो यहाँ से फेंक दिया ये ऐसा है ना, ऊपर जाने में लगे यहाँ पे 5 सेकंड और इधर लगे 5 सेकंड, तो यहाँ पे टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया आपके पास ये रहा 10 सेकंड्स। ओके सो नाउ आपको ये पता है कि जैसे ही किसी बॉल को हम रिलीज करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर रिलीज करते हैं, तो क्या होता है भाई, वहां पर उसका एक्सेलरेशन होता है -g m/s² है ना, यानी कि ये कितना हो जाता है भाई, -9.8 m/s², करेक्ट। पर आपको ये पता है कि ये माइनस क्या होता है भाई, ये नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन को दिखाने के लिए करते हैं, करेक्ट। तो a की वैल्यू कितनी होती है भाई, -9.8 m/s² ऑलवेज 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 एंड ऑलवेज है ना, तो अभी ये एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो अभी देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक a वर्सेस t का ग्राफ बनाऊंगा मैं यहाँ पे, और नीचे एक वैल्यू मैं यहाँ पे बनाऊंगा -9.8, और ये तो कांस्टेंट रहेगा टाइम के साथ, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक एक यहाँ पे मैं एक स्ट्रिप खींच दूंगा, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ। क्या कौस्तुभ आपने ये ग्राफ बनाया था, हाँ जी कौस्तुभ, ओके वेरी गुड, एक आंसर सही है। और कितने बच्चों ने ऐसा ड्रॉ किया ग्राफ, हाँ बताइए, ओके समझ में आया सबको, अभय कहा गया था, वेरी गुड अभय, ओके तो समझ में आया सबको, कैसे सोचते कैसे हैं, ओके हाँ जी। तो इस तरह से क्या हो गया भाई, ये आपका जो चैप्टर है मोशन इन वन डायमेंशन, इस प्रकार से यहाँ पे पूरा का पूरा संपन्न हुआ है ना, ग्राफिकल ये सारी चीजें मैंने आपको एक अच्छे से बता दी। नाउ अब आप मुझे बताओ, कोई अगर डाउट है तो आप मुझे वो बताइए, डिस्कस करेंगे डाउट्स को, आपके डाउट्स जो भी हैं आपको बताओ, इस जो ग्राफिकल मोशन में अगर कुछ भी डाउट है तो वो बताइए। रिपीट एट ग्राफ शो, कौन सा ग्राफ, अभी वाला क्या है, अभी वाला क्वेश्चन, हाँ शिवम ओके अभी वाला क्या देख रहे हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है ना कि जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक बॉल है, बॉल को मैंने नीचे से ऊपर फेंक दिया है ना, तो आपको उस टाइम से जैसे बॉल को मैंने रिलीज किया और जब तक बॉल नीचे ग्राउंड पे आया, दो सिचुएशन को आपको उनके बीच में क्या करना है, उसका एक्सेलरेशन देखना है ना। सो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि बॉल कितनी देर हवा में रहे, उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, जी की वैल्यू क्या लेते हैं, -9.8 m/s² लेते हैं, और ये जी क्या होता है, ये तो कांस्टेंट होता है ना, वेरी भी करता है ये जी, जब आप क्या करें बहुत ऊपर हाइट पे लेके जाएं बॉल को, या फिर आप अर्थ के अंदर बहुत पीछे अंदर चले जाएं, उस टाइम पे जी क्या होता है भाई, वेरी करता है हाइट और डेप्थ के साथ, बट ये हमारे नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जी की वैल्यू फिक्स होती है ना। तो जैसे मान लो कि मैंने कोई एक बॉल दे दिया है ना, और मैंने आपसे ये बोला कि चलो इसको आप कितनी हाइट तक फेंक सकते हो ना, उतनी हाइट तक फेंक, करेक्ट। सो आपको कितने भी बड़े से बड़े आदमी को लेके आ जाओ है ना, गेंटे आदमी को लेके आ जाओ, कितना भी हरकुलस हो, मस्कुलर हो, वो बॉल को कितनी ऊपर हाइट तक फेंकेगा,
ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर, 200 मीटर, 300, 400, 500, है ना, इससे ज्यादा कोई उतनी हाइट पे बॉल को नहीं फेंक सकता, है ना। तो हम जितनी हाइट पढ़ते हैं वो कितना होगा, 500-600 मीटर। तो इतनी सी हाइट के लिए जी वैरी नहीं कर, तो इतनी सी हाइट के लिए अगर जी वैरी नहीं कर रहा है तो हम जी को क्या लेते हैं, कॉन्स्टेंट लेते हैं। तो ये वैल्यू कितनी होती है भाई, ये वैल्यू होती है हमारी 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो 9.8 ले लो या फिर आप कह ले लो 10 ले लो, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन क्या रहेंगे भाई, कॉन्स्टेंट रहेंगे, है ना। तो कॉन्स्टेंट चीजों को हम कैसे दिखाते हैं, कॉन्स्टेंट चीजों को हम ऐसे दिखाते हैं। समझ लीजिए हमारे पास ऐसा इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2। चलो भाई आप इसका ग्राफ बनाओ, तो इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, तो y एक्सिस पे आप ढूंढेंगे, ये रहा 0, ये रहा 1 और ये रहा यहां पे 2, ये रहा y इक्वल टू 2। चलो बना दिया, खत्म, है ना। जैसे आपको पूछा बताइए x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाओ, तो कैसे आप ग्राफ बनाएंगे, ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3, और यहां पे क्या करो एक कांस्टेंट, ये ऊपर ऐसे ही प्लेन खींच, तो हो गया x इक्वल टू 3। Now, अभी मुझे क्या निकालना है, a वर्सेस t का ग्राफ बनाना है ना, a वर्सेस t का ग्राफ बनाना है, तो मुझे क्या करना होगा, a ले लो मैंने यहाँ पे, a वर्सेस t का ग्राफ बनाया, तो यहाँ पे a बोल लो या फिर आप g बोल लो, दोनों बातें क्या है, अभी यहाँ पे सेम ही है, मतलब ये g क्या है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी के अंदर। तो मेरी यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू है मेरे पास -9.8। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि x की वैल्यू ग्राफ कैसे बनाएंगे, x इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसे बनाएंगे, इधर मैंने आपको बताया कि y इक्वल्स टू 2 का ग्राफ आप कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है -9.8, तो -9.8 यहाँ पे ऐसे करते 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो ऐसे करते करते यहाँ पे -9.8 होगा, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच के खत्म, दैट्स ऑल। हाँ जी समझ में आया, शिवम, सोहेल, यस, एनी डाउट्स, यस शिवम, यस, फर्स्ट तो क्या डाउट है, इलेबोरेट फर्स्ट डाउट इन फर्स्ट क्वेश्चन वी डिस्कस टुडे, पैराबोला क्वेश्चन, हां उसमें क्या डाउट है ना भाई, जितने बच्चों को जो भी डाउट है टाइप करते जाओ फटाफट, एसटी ग्राफ में कोई डाउट है, पहले लेक्चर से कोई डाउट है, क्योंकि लेक्चर के नोट्स से पढ़े हुए हैं वन नोट में, फटाफट फटाफट पूछते जाओ। अभी डन कर रहा हूँ, इसको क्लोज कर रहा हूँ। हाँ बच्चों अगर कोई डाउट नहीं है, पैराबोला, ओके सोहेल को पैराबोला समझ में नहीं आया, बाकी बच्चे फास्ट, हाँ क्वेश्चन कराएंगे अभी थोड़ी देर में, हाँ बच्चों कोई डाउट नहीं है आपको, आगे बढ़े, एक्टिंग इज इक्वल टू 0, देयर वाज नो डिस्प्लेसमेंट, सो हाउ डू वी गॉट देयर, ठीक है क्लास के बाद मिलो, हाँ केमिस्ट्री क्लास नहीं होती ना 1:30 बजे, हाँ बस बाकी बच्चे फास्ट, डाउट नहीं तो टाइप कीजिए 1, मैं आगे बढ़ता हूँ। सभी लोग अपने रिस्पॉन्स दें, ओके ओके, युवांश आप नहीं थे कल की क्लास में, सर व्हाट विल बी द वीटी ग्राफ ऑफ पैराबोला क्वेश्चन, एक सेकंड, हमने वीटीग्राफी तो बनाया है हमने, देखिए हर्षल, देखिए देखिए यहाँ पे, तो ये जो आपका जो पैराबोला वाला है ना, एक्चुअली ये पैराबोला क्या है आपका, ये वाला इस पैराबोला इस एसटी कर्व है ना, तो इस एसटी कर्व का हमने वीटी बनाया है ना, तो ये जो पैराबोला है ये एक्चुअली में क्या है, ये एसटी है डिस्प्लेसमेंट टाइम, अब इसका क्या करना है हमें, पैराबोला हमने बनाया, ओके युवराज, हाँ हर्षल, यस, तो वीटी ग्राफ ही बनाया, देखो मैंने यहाँ पे ये आंसर है इसका, ये रहा इसका आंसर, फिर से एक बार बना देता हूँ, वेलोसिटी इनिशियली पॉजिटिव थी और यहाँ पे ये ऐसे आगे निगेटिव में जा रहा है, ये इसका वीटी कर्व, यस हर्षल बताइए समझ में आ रहा है आपको, यस यस, एनी मोर डाउट्स, ठीक है आगे बढ़े, ठीक है भाई मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चंस पे चलेंगे आगे हम नेक्स्ट, तो आई अज्यूम कि सबको समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है, एक दो छोटे मोटे डाउट्स हैं मैं बाद में डिस्कस करूंगा बाकी बच्चों पे, तो ठीक है चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, तो अभी चलते हैं हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, आपने अभी तक जितना भी पढ़ रखा है उस पर बेस्ड एक छोटे छोटे सवाल करेंगे हम, तो यहाँ रहा ये रहा आपका यहाँ पे मेरा क्वेश्चन, तो अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये पहला सवाल है ना,
चलिए ये आप क्वेश्चन देखो, दिस इज द मैच द फॉलोइंग, तो कॉलम वन और कॉलम टू है ना, तो आप सॉल्व कीजिए और फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए, ये कॉलम किससे मैच होगा। कल मैंने इसको डिस्कस भी किया था, चलो भाई फटाफट एक बार आप करके बताओ। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस, जब हो जाए तो लिखो डन, अभी सॉल्व हो जाए तो टाइम लिखिए। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 12:21 हो रहा है, 12:23 पे मैं इसको डिस्कस करूंगा। यस, तो आपके सामने एक डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व दे रखा है और आंसर में आपको क्या डिस्कस करना है, उसकी वेलोसिटीज को डिस्कस करना है, तो है ना कि वेलोसिटी क्या आ रही है उसकी। तो बहुत ही आसान, आपको क्या करना है भाई, जस्ट ग्राफ का आपको स्लोप देखना है, स्लोप देख के आपको आंसर करना है, दैट्स ऑल। चलिए जी, आंसर आ गया, एक बच्चे का हो गया। चलिए देखते क्या है आंसर, डन, दो बच्चों का हो गया, वेदांत और समीर का हो गया। बाकी 1 मिनट और बच्चे हैं, फिर मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन को, 1 मिनट और। यस यस, कितने बच्चों का आ गया भाई, 2 मोर, 2 बच्चों का हो गया। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं, जस्ट 30 सेकेंड्स मोर, आराम से करो भाई, आराम से मैं आपको आंसर दूंगा। यस क्वेश्चन डन, विग्नेश डन, चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखो भाई आंसर मैं बताता हूँ आपको, ये फर्स्ट का आंसर है और इस पहले का आंसर है ए, दूसरे का आंसर है, इस दूसरे का आंसर है सी, तीसरे का आंसर है बी, और चौथे का आंसर है, और फोर्थ का आंसर है डी, है ना, समझते हैं। अब देखिए ध्यान से, ए में क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम लीनियरली, है ना। तो देखो अब देखो ध्यान में क्या आता है ना, कि अभी हमने यहाँ पे देखा कि क्या है वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम लीनियर, बट अभी हमें लगता है ये ग्राफ तो लीनियर नहीं है भाई, ये ग्राफ तो क्या है, पैराबोलिक ग्राफ है, तो लीनियर कैसे बोल दिया भाई, ये पैराबोलिक ग्राफ है किसके लिए, एसटी के लिए, है ना। तो इसका अगर आप वीटी बनाओगे तो क्या आएगा भाई, इसका वीटी ग्राफ तो कुछ ऐसे आएगा, है ना। तो अगर देखो आप ध्यान से, है ना, कितनी बार हमने ये डिस्कस किया है, एसटी से ऐसे अगर आपको वीटी बनाना है तो ऐसा आएगा। तो इसका देखो ये वीटी ग्राफ, इसका ओए का अगर आप वीटी ग्राफ बनाओ तो कैसा आएगा, ये ऐसा ही आएगा। इसका स्लोप क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम लीनियर। यस, ये क्या है भाई, करेक्ट, ठीक है। आई भाई दूसरे में देखते हैं, दूसरे में क्या है भाई, ए बी का आंसर क्या दे रखा है, दूसरे का आंसर दे रखा है सी, यानी ए बी में क्या है भाई, सी आ रहा है ना, ए रहा ए बी, और यहाँ पे क्या है भाई आपका ये, दिस इज ए बी में आपको ये सी ऑप्शन है। यस, तो सेकंड इसमें देखिए भाई क्या आ रहा है भाई, सेकंड में आ रहा है यहाँ पे आपका वेलोसिटीज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। यस, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, ए बी का स्लोप क्या है भाई, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी भाई, कांस्टेंट होगी, है ना। तो वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, करेक्ट, स्लोप कांस्टेंट यानी वेलोसिटी भी क्या रहेगी उस टाइम पे, कांस्टेंट। तो ए बी हो गया, ए बी का कर लिया हमने, थर्ड देखिए, थर्ड क्या है अभी यहाँ पे, बी सी, तो बी सी का क्या आंसर है भाई, बी सी का आंसर है बी, तो ध्यान से देखिए भाई, बी सी, बी सी क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, तो बी सी में क्या हो रहा है भाई, स्लोप को डिक्रीज हो रहा है, बी सी में क्या हो रहा है भाई, स्लोप को
डिक्रीज हो रहा है, ऐसे देखो आप ऐसे जाओ तो स्लोप यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो बीसी और वेलोसिटी घट रही है, यस करेक्ट है। नाउ देखिए सीडी पोर्शन में, देखो यहाँ पे सीडी पोर्शन में, तो सीडी पोर्शन में क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे बिल्कुल ही स्लोप इसका क्या है, बिल्कुल ही ऐसा फ्लैट है ना, तो ये बिल्कुल ही फ्लैट है, इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी जीरो हो गई, तो सीडी में आ गया ऑप्शन डी, वेलोसिटी क्या है भाई जीरो, यस। चलिए भाई अभी कोई डाउट इसमें, किसी पोर्शन में कोई डाउट, कितनों का सही आया, चारों करेक्ट आ गए, ओके ओके फास्ट, कुछ डाउट है फिर बताइए, वो भी बताइए आप, है ना। तो अभी तक आपने जितना पढ़ रखा है, जितना हमने इंटेंस डिस्कशन किया है, उसका फायदा हो रहा है अभी, तो ऐसे क्वेश्चन आपको एडवांस में पूछे जाएंगे। सोहेल देखिए एबी में क्या है ना, एबी पोर्शन में क्या है भाई, एबी का स्लोप कॉन्स्टेंट है ना, तो जब स्लोप कॉन्स्टेंट है इसका मतलब क्या होगा भाई, वेलोसिटी भी कॉन्स्टेंट आएगी, है ना। जैसे आप आपके पास ये लाइन है ना, आपके पास ये लाइन है, ऐसा ये ऐसी लाइन है, तो आप इधर भी दो पॉइंट पर स्लोप निकालो, तो स्लोप कैसे निकालते भाई, टेंजेंट खींच लो, तो स्लोप कॉन्स्टेंट है, यानी इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, है ना। स्लोप कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी भी क्या हो गई, भी कॉन्स्टेंट हो गई, तो ये जो स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, अगर स्लोप कॉन्स्टेंट है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी, मतलब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, दैट्स यस। तो ये तो बच्चों का अभी क्लियर हो गया भाई, एनी डाउट, कुछ डाउट तो नहीं है इसमें, ये सोहेल क्लियर है, ओके सबको क्लियर हो गया भाई, तो ये क्वेश्चन अच्छे से आप संभाल कर रखो नोटबुक में, ताकि बाद में भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर हाँ ये सवाल निकालिए, करिए फटाफट। वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इज शोन, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 12 seconds, है ना, तो अभी डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे ये आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है ये वाला, ना ये फिगर में क्या है, एक ट्रेपेजियम है, तो आपको बोला है 12 सेकंड तक, तो क्या करो, पहले तो आप 0 से लेके 10 सेकंड तक इस ट्रेपेजियम के एरिया निकाल लें, और उसके बाद 10 सेकंड से लेके 12 सेकंड तक, है ना, ये वाला एरिया निकाल लें, तो ट्रेपेजियम के एरिया प्लस के ट्राइंगल के एरिया दोनों निकाल के क्या करें आप, जोड़ दें, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करिए एक बार उसको फटाफट, जस्ट बैक इन 2 मिनट्स इसको सॉल्व कीजिए वाला सवाल। Yes. क्या आंसर आया, तो करेक्ट आंसर इज 37.5, है ना, तो आंसर आया 37.5, क्या सबका आंसर आ गया जी, ओके। मैं सॉल्व करूं क्या इसको, तो इसका आप एरिया निकालो, तो एरिया कितना आ जाएगा भाई, ये आएगा आपका यहाँ पे, इसका एरिया आएगा हाफ इंटू 10 प्लस 4, तो देखिए ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 10,
और इसके अंदर कितनी है, 4 10 प्लस 4 हाफ इंटू ये क्या हो गया आपका 20 हो गया, इंटू हाइट कितना है भाई इसका, हाइट हो गया आपका 5 करेक्ट। प्लस अभी देखिए यहाँ पे 10 से 12 के बीच में क्या है भाई, एक दिस इज स्मॉल ट्रायंगल है ना, तो इसमें इसका जो एरिया आएगा ये आएगा आपके पास हाफ इंटू इसका कितना है भाई, ये है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये रहा आपका इतना, दिस इज 2.5 एंड 2 इंटू 2.5 है ना, तो 2 से 2 है कैंसिल हो गया, बट ये किधर आपका निगेटिव में है, यहाँ पे क्या है ये निगेटिव है, बट यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 14, तो 17 दिस इज कितना हो गया, ये हो गया आपका 7 इंटू 5, तो ये हो गया आपका पास 35 और यहाँ पे ये 2.5 है ना, तो डिस्टेंस पूछा है तो दिस इट विल नॉट मैटर, इट डजंट मैटर है ना कि प्लस है या फिर माइनस है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 37.5। ओके, काफी लोग का आंसर सही है। चलिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले सवाल पे, नेक्स्ट अगला आते हैं, अगला देखिए, चलिए फटाफट करते हैं इसको सबको। लास्ट टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन शोन एज फिगर 4.100, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 9 सेकंड इज, 9 सेकंड पे उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, सी आंसर कितना है भाई, सी आया। ओके, क्वेश्चन नंबर ये जो थर्ड है यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको आपका आंसर आया कितना, सी आया। चलिए देखते हैं सॉल्व करके, हाँ जी हो गया सबका हो गया। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन क्या है भाई, कंफ्यूजिंग है ना, तो यहाँ पे क्या पूछ रखा है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 9 सेकंड है ना, तो यहाँ पे कोई टाइम है आपका यहाँ पे 8 और ये रहा आपका यहाँ पे 9 सेकंड, तो टाइम टी इज इक्वल टू 9 सेकंड पे इसका एक्सेलरेशन कितना होगा आपसे ये पूछ रखा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को कैसे निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन निकालते हैं हम v2 - v1 / t है ना, तो इसका आंसर है भाई, इसका आंसर है -5, ये सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए ध्यान से, अगर आपके पूछे कि एट टी इज इक्वल टू 9 सेकेंड है ना, यहाँ पे अगर आपको पूछे टी इज इक्वल टू 9 सेकेंड और मैं इसी को अगर मैं ऐसे निकालू कि एक्सेलरेशन बिटवीन 8 and 10 सेकेंड है ना, 8 और 10 सेकेंड के बीच में जो एक्सेलरेशन होगा तो वही एक्सेलरेशन टी इज इक्वल टू 9 सेकेंड पे होगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए ध्यान से, 8, 9, 10, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड और ये 10 सेकेंड करेक्ट, तो यहाँ पे 8 और 9 के बीच का एक्सेलरेशन निकाले तो वही क्या है, टी इज इक्वल टू 9 सेकंड का एक्सेलरेशन है करेक्ट, तो मैं क्या करूंगा अभी यहाँ पे 8 सेकंड और 10 सेकंड के बीच का एक्सेलरेशन निकाल लूंगा, तो 8 और 10 के बीच का अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वही क्या आएगा आपका, टी इज इक्वल टू 9 सेकंड का एक्सेलरेशन है ना, तो चलिए एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं हम कहाँ पे भाई, एट टी इज इक्वल टू 8 एंड टी इज इक्वल टू 10 सेकंड इनके बीच का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, तो नाउ अभी देखिए ध्यान से, तो एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन होता है आपके पास ये होता है v2 - v1 / t करेक्ट, तो नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये 10 सेकंड पे पहले मैं देखूंगा वेलोसिटी कितनी है, तो 10 सेकंड में वेलोसिटी कितनी है भाई, 10 सेकंड में वेलोसिटी कितनी है, 10 सेकंड में वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, तो अभी यहां पे लिखूंगा यहां पे 5 - 8 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, तो 8 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है आपकी यहां पे, दिस इज 15 मीटर पर सेकंड, तो 5 - 15। ओके, और यहाँ पे टाइम कितना है, टाइम है आपका 10 और 8, तो यहाँ पे क्या करो भाई, यहाँ पे t2 - t1 यानी कि 10 - 8 करेक्ट, तो ये हो गया आपके पास -10 / दिस इज 2, 10 - 8 2 हो गया, तो ये आ गया आपका दिस इज -5 मीटर है ना, इज वेरी गुड क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन। तो t = 9 सेकंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे t = 8 सेकंड
8 सेकेंड या फिर ये 10 सेकेंड, 8 और 10 के बीच में निकाल लो तो टी इज इक्वल टू 9 पे आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। यस हाँ जी, समझ में आया सबको? एनी डाउट? आंसर इज सी, करेक्ट आंसर इज सी। यस, क्या सबको समझ में आए? एवरीवन तो बस एक बच्चे का आंसर आया, कौस्तुभ का आंसर आया सी। यस, सब लोग, सबको समझ में आ रहा है भाई? फास्ट सब लोग रिस्पांस देंगे अपना, क्या सब लोग समझ पा रहे हैं? ओके, मानव और रोशन आप लोग समझ पा रहे हैं? दो नए बच्चे आए हैं, आप लोग समझ पा रहे हैं? चैट में टाइप कीजिए 1। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का सवाल, यस अभी देखते हैं इसको करिए सॉल्व। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल इज शोन इन फिगर 4.101, इट इंडिकेट्स दैट, इट इंडिकेट्स दैट, चार ऑप्शन आपके पास, एट बी फोर्स इज जीरो, एट बी देयर इज अ फोर्स बट टुवर्ड्स मोशन, C option at B, there is a force which opposes motion, D, none of the above is true. Mano 1/2, thoda thoda. Okay, samajh mein aayega, aapko bhi samajh mein aayega acche se. Option C, ab ek answer hai C. C, C option aa raha hai. शिवम वस्तु तीन आंसर आ गए। ओके चलिए सॉल्व करते इसको, देखिए ध्यान से। यहाँ पे ये ऐसा है, यहाँ पे तो शुरुआत में भी क्या है भाई, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, ऐसे एकदम बिल्कुल सीधी लाइन बनी हुई है, इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी यहाँ पे यहाँ तक क्या है, कांस्टेंट है। और फिर अचानक से वेलोसिटी क्या हो रही है भाई, यहाँ पे रिड्यूस होनी शुरू हो गई, रिड्यूस होकर क्या हो रही है भाई, जीरो हो गई, और जीरो होने के बाद वेलोसिटी में फिर ऐसा क्या हुआ, इंक्रीज है, करेक्ट है। और यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, हमें एक पॉइंट बी पूछ रहा है कि इस पॉइंट बी पे क्या हो रहा है ना, तो बी पे अभी बोला कि भाई क्या है भाई, बी पे फोर्स क्या है भाई, जीरो है। बी पे फोर्स क्या है, जीरो है। अगर यहाँ पे फोर्स जीरो हो जाए तो उसके पार्टिकल पे वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बट पार्टिकल बी पे वेलोसिटी जीरो है क्या, नहीं, कुछ तो वेलोसिटी अभी यहाँ पे है। तो ये तो हमने डिस्कार्ड कर दिया ये ऑप्शन। एट बी देयर इज फोर्स बट टुवर्ड्स मोशन, है ना। अगर देखिए ध्यान से, अगर फोर्स लग रहा हो और टुवर्ड्स मोशन की तरफ हो तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ में आ रहा है ना, मतलब मान लीजिए यहाँ पे एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल ऐसे सीधे इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, आपने क्या कर दिया, इसी डायरेक्शन में पार्टिकल तो ये डायरेक्शन में जा रहा है, पर आपने एक नया फोर्स इस डायरेक्शन में ही लगा दिया, इस डायरेक्शन में नया फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा, ये पार्टिकल यहाँ पे क्या होगा, ये पार्टिकल स्पीड अप करेगा, आगे जाएगा हाई स्पीड से, समझ रहे हैं ना। तो बट यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड इसकी डिक्रीज हो रही है, तो बी ऑप्शन भी गया। नाउ ऑप्शन नंबर सी, सी में क्या कहा जा रहा है आपसे, सी में कहा जा रहा है कि एट बी देयर इज अ फोर्स व्हिच अपोजेस द मोशन। यस, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए पार्टिकल ऐसे जा रहा था और फोर्स इन्होंने ऐसे लगा दिया, तो अभी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा, वेलोसिटी इसकी रिड्यूस होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, बाद में जाके वेलोसिटी क्या होगी भाई, जीरो पे। ओके, एनी डाउट इन एनी ऑप्शन, इस ऑप्शन में कोई डाउट आप बच्चों बताइए, इस ऑप्शन में कोई डाउट वेदांत, फर्स्ट ऑप्शन में? ओके ओके, फर्स्ट ऑप्शन में बता दो, फोर्स जीरो, तो फोर्स जीरो हो तो क्या हो भाई, फोर्स जीरो, फोर्स तो लग रहा है, फोर्स जीरो नहीं। हाँ चलिए एवरीवन, सबका आंसर आ गया जी, समझ में आ गया सबको, गिव अ रिस्पांस। हाँ भाई सब लोग, एवरीवन क्या सॉल्व करने आपको मजा आ रहा है? यस मानो, ओके मानो आपके लिए एक बार और समझा देता हूँ, आपको ये समझ में आ जाएगा, देख रहे हैं मानो आपके लिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ग्राफ ऐसे दे रखा है,
देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे, यहाँ पे जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, और यहाँ पे फोर है ना। तो इस टाइम पे मान लेते वेलोसिटी कितनी है, फोर है। अब यहाँ पे मैं सीधे जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट। वेलोसिटी क्या है, कॉन्स्टेंट। अभी यहाँ से पार्टिकल ऐसे नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसका मतलब देखिए यहाँ से वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है ना। वेलोसिटी कम होते होते और इस पॉइंट पे देखो तो वेलोसिटी क्या हो गई भाई, वेलोसिटी हो गई यहाँ पे जीरो। यहाँ से देखिए यहाँ तक वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, और फिर आगे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ये बात तो समझ में आ रहा है आपको। नाउ इस पॉइंट बी पे देखिए, बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, तो एक ही बात हमें पता है कि वेलोसिटी हो रही है जीरो। नाउ अभी बोल रहे हैं कि बी पॉइंट पे फोर्स जीरो है, ये तो बिल्कुल मतलब थोड़ा इम्पॉसिबल है कि पार्टिकल अगर चल रहा है तो कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा होगा, इधर किसी भी डायरेक्शन में फोर्स तो लग रहा है ना, तो ये गलत हो गया। बी में सेकंड ऑप्शन, एट बी देयर इज अ फोर्स बट टुवर्ड्स मोशन। अब इस बात को समझिए ध्यान से, मान लीजिए एक पार्टिकल, और ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है बी वेलोसिटी से, और यहाँ पे इन्होंने कहा कि ऐसा फोर्स यहाँ पे ऐसा एफ लगा, ठीक है। अभी पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है, आपने फोर्स भी क्या किया, इधर की तरफ लगा दिया, तो अभी क्या होगा, इसकी वेलोसिटी तो क्या होगी, बढ़ेगी ना, इंक्रीज होगी इसकी वेलोसिटी। सो यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि टुवर्ड्स मोशन है ना, वैसा करने से इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। अब सी ऑप्शन में देख लीजिए, एट बी देयर इज द फोर्स व्हिच अपोजेस द मोशन। यस, अभी देखते हैं इस ऑप्शन को, मान लीजिए पार्टिकल आगे जा रहा है और आपने क्या कर दिया, इधर उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगा, मतलब ब्रेक लगा दिया, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। सो नाउ अभी आप आगे की तरफ जा रहे थे, बट आपने फोर्स क्या कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, तो वेलोसिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी। और पॉइंट बी पे वही काम हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है। तो दिस सी ऑप्शन इज करेक्ट, देयर इज अ फोर्स व्हिच अपोजेस द मोशन। यस, आई होप अभी समझ में आया आपको। या ओके, अब जस्ट आप ऐसे देखिए, आइडिया आ जाएगा, देर देर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को पढ़ते हैं, नेक्स्ट। यस, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी इज गिवन इन 4.120, फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड। चलिए इस सवाल को सॉल्व कीजिए, चलिए फास्ट सॉल्व करेंगे सभी लोग। यस, आंसर आया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पॉसिबल का आंसर आया भाई, का आंसर आया 4। यस आंसर है भाई इसका, इसका आंसर है, यस आंसर है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे हाँ देखिए ध्यान से सभी लोग देखिए, तो ये क्या है भाई, आपके पास एक मीटिंग कर रहा है ना, ये क्या आपके पास एक मीटिंग कर रहा है। अब एक्सेलरेशन ज्यादा कब होगा, जब इस ग्राफ में जब स्लोप क्या होगा, स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा भाई, ज्यादा होगा। तो अभी देखिए यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये 30 से 40 सेकंड के बीच में इस ग्राफ का स्लोप क्या है, मैक्सिमम है ना, तो इसमें स्लोप इसका इधर मैक्सिमम है, तो क्या होगा भाई, ये इस टाइम में इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका इस ग्राफ का हम स्लोप निकाल लेते हैं, तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे यहाँ पे। तो एक्सप्रेशन हमें निकालना है कहाँ पे, कहाँ पे, 30 सेकंड से लेकर 40 सेकंड के बीच। तो अभी हम क्या करेंगे, आप एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो 40 सेकंड पे देखेंगे इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो 40 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी है भाई, 60 मीटर पर सेकंड। ये आ गया आपके पास 60, माइनस 30 सेकंड में वेलोसिटी कितनी है भाई, यहाँ पे ये है 20, ये कितनी है 20, और टाइम कितना लग रहा है भाई, 30 से 40 सेकंड लग रहा है यहाँ पे, 10 सेकंड। तो इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, आएगा आपके पास 40/10, तो ये आ गया आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, है ना, कितना सिंपल है ना, बस स्लोप निकाल लेना है, खत्म। चलिए नेक्स्ट, आज ये समझ में आया सबको, सारे बच्चों को, एनी डाउट, इसमें कोई डाउट, सब लोग फास्ट रिप्लाई दे अपना, है ना। स्लोप देख लेना है कहाँ स्लोप मैक्सिमम है, तो 20 सेकंड से 40 सेकंड के बीच में स्लोप मैक्सिमम है। तो यस, चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, अगला सवाल।
एक काम करो भाई, आप लोग ये सवाल लिख लो, कल डिस्कस करेंगे इसको कल की क्लास में। मैं नया चैप्टर अभी शुरू करता हूँ। चलो फास्ट लिखिए भाई सभी लोग, 30 सेकेंड एक सवाल के लिए, जल्दी लिखो इस सवाल को फास्ट। दो तीन सवाल और है नीचे। हाँ जी लिख दिया। ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ लॉस्ट प्रॉफिट विद द टाइम, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द रॉकेट। चलिए गूगल लिख लिया, क्वेश्चन लिख लिया, तो टाइप करें डन। ये दो सवाल होमवर्क में लेके जाइए आप, जैसे करके लाइए। हो गया, नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं मैं। चलिए जस्ट लिख लो आप, ऑप्शन में लिख लीजिए। नाउ नेक्स्ट अगला सवाल, चलो भाई दो सवाल मैं आपको भेजता हूँ ग्रुप पे, ठीक है। तो ये सवाल लिख लिया, थोड़े बड़े बड़े ऑप्शन है उसके, दोनों सवाल को मैं आपको ग्रुप पे भेजता हूँ उनकी फोटो। ओके हाँ जी ओके। चलिए ये सवाल लिख लो आप, नेक्स्ट अगला चैप्टर हम शुरू करते हैं ना, नेक्स्ट चैप्टर। ओके तो चलिए अगले चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, अभी तक हम पढ़ रहे थे, अभी तक जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे दैट चैप्टर इज कॉल्ड मोशन इन वन डायमेंशन, है ना। मोशन क्या है भाई, वो वन डायमेंशन में है। तो नेक्स्ट चैप्टर आता है दैट चैप्टर इज योर 2D मोशन एंड दैट चैप्टर इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। तो इसको हम 2D मोशन भी बोलते हैं और इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलते हैं। Now, इस चैप्टर में अभी 2D मोशन में क्या है ना, तो 2D मोशन का मतलब होता है 2D का मोशन। 2D मोशन का मतलब क्या होता है भाई, 2D का मोशन। तो नाउ जैसे आप देखो ध्यान से, अभी हमने क्या पढ़ रखा अभी हमने ये पढ़ा है कि मोशन इन 1D, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट की गति 1D में, मतलब अभी हम सिर्फ यही पढ़ते हैं, एक कार है, एक रोड पे जा रहा है, सीधे डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, है ना। या फिर हम ये पढ़ते हैं एक पार्टिकल को हमने नीचे से ऊपर फेंक दिया 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, अभी नीचे से ऊपर जा रहा है, ये इधर से इधर जा रहा है ना। तो अभी हम क्या पढ़ते हैं, सिर्फ मोशन इज स्ट्रेट लाइन ही पढ़ते हैं, है ना। स्ट्रेट लाइन में हम मोशन पढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि पार्टिकल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कुछ भी कवर कर रहा है, 1D में ही कवर कर रहा है ना। बट अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि पार्टिकल एक्चुअली अभी आपका 2D में, मतलब एक्स एक्सिस में भी जाएगा और वाई एक्सिस में भी जाएगा, है ना। अभी हमें ये सीखना है, तो देखते हैं कैसे इस बात को हम थोड़ा सा समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो सामने आप देखिए, आपके सामने ये जहाज है, उम्मीद है राफेल तो नहीं है, कोई ऐसा नॉर्मल सा जहाज है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या किया इन्होंने, ऐसा है इसको यहाँ पे ये बॉम्ब को यहाँ पे इजेक्ट किया है ना। बॉम्ब को अभी ने क्या किया, जस्ट इजेक्ट किया है और थोड़ी देर बाद हमने देखा कि ये बॉम्ब ने जो यहाँ पे इजेक्ट किया है ये वाला, तो ये क्या होगा भाई, इसका पार्ट कुछ ऐसा आ रहा है, है ना। इसका पाथ यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो कुछ ऐसा इसका पाथ क्या बन रहा है भाई, पैराबोलिक पाथ बन रहा है इस बॉम्ब का, है ना। सो एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो यहाँ पे जो बॉम्ब और जो मिसाइल्स है ना, ये तो क्या होते हैं, लेजर गाइडेड होते हैं। तो जिधर टारगेट जा रहा है उधर जा रहा होता है, ऐसे ऊपर जा भी जा सकते हैं, ऐसे सीधे भी जा सकते हैं, ऐसे नीचे ग्लाइड करके ऐसे भी मूव कर सकते हैं ना। बट नॉर्मली अगर उसे बात करें ना, कि अगर आप हवाई जहाज पे जाओ, आप एक बॉम्ब फेंको ऐसा, है ना, तो वो उसका जो जनरल जो पाथ होता है ना, वो कुछ ऐसा पाथ होता है। Now, for example, अगर आप यहाँ पे इसका अगर पार्ट अगर आप ध्यान से देखें, तो विजुअल्स आपने देखिए यहाँ पे बॉम्ब इन्होंने रिलीज किया, तो क्या होगा भाई, थोड़ी देर के बाद ये बॉम्ब कुछ ऐसे ही गिरेगा यहाँ टारगेट पे, यहाँ पे नहीं करेगा, करेक्ट। नाउ अभी आप देखिए ध्यान से, ये रहा आपका बॉम्ब, और मान लीजिए ये जो एरोप्लेन था, ये एरोप्लेन कितने पे चल रहा था, मान लीजिए 1000 मीटर की हाइट पे चल रहा है ना। और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ग्राउंड से मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC बोलते हैं इसको, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मैं इसको देख रहा हूँ। तो मैंने इनको ये बताया कि आप अभी 1000 मीटर की हाइट पे चल रहे हैं और आपकी पोजीशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो टारगेट है वो 5 किलोमीटर दूर है। हाँ जी, ये समझ में आया। तो मैंने क्या उनको बैठ के बताया, उनको ये बताया कि आप अभी प्लेन उड़ा रहे हो तो आपकी हाइट सरफेस से 1000 मीटर है और आपका यहाँ पे जो टारगेट है वो कितना है, यहाँ पे 5 किलोमीटर आगे, है ना। तो वहां पे उसका रडार बैठे बैठे कैलकुलेट कर लेता है कि हाँ भाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस
इसका बेस और इसकी हाइट यहाँ पे होगी और इसकी प्रोजेक्टाइल जो ट्राजेक्टरी होगी जो पाथ होगा वो पाथ कुछ ऐसे नहीं होगा। ऊपर उसका जो मशीन होता है सारी कैलकुलेशन करके बना देता है और रडार में क्या होता है कैसा एक लॉक बना होता है ना। जो पुराने जो प्लेन्स थे उसमें क्या होता था तो पायलट को देख के मारना पड़ता था, बट अभी जो नया जो राफेल आया है उसमें क्या होता है बहुत ही एडवांस रडार है और वो रडार पे ज्यादा आपको देखना नहीं होता है, पायलट का हेलमेट में क्या होती है स्क्रीन होती है और पायलट जिधर भी देखता है उधर भी गनी गन से बुलेट्स निकलती है, उसको ज्यादा कुछ वहां पर देखना नहीं पड़ता। तो उसके रडार में क्या होता है कैसा जैसे मान लो कि एक एनिमी प्लेन है वो आगे जा रहा है आगे जा रहा है आगे जा रहा है, तो जैसे ही एक रडार पे इनके गोल सर्कल बनता है, जैसे ही गोल सर्कल बन गया तो वहां पे दिखता है कि टारगेट इज लॉक्ड। तो जैसे ही वो गोल सर्कल में जैसे टारगेट आ गया वहां पे हिट करेगा वहां पे अगर फायर करेगा पायलट तो एकदम सेटिंग में आना लगता है, तो यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि टारगेट क्या हो चुका है भाई लॉक हो चुका है करेक्ट। तो अलग बात है वो सारी कैलकुलेशन करके हिट करता है करेक्ट। नाउ अभी आप देखिए ध्यान से इन्होंने जो बॉम्ब को जो ड्रॉप किया है तो अभी मैं क्या ये बोल सकता हूँ ये जो बॉम्ब है इस बॉम्ब ने हाइट ट्रेवल की है, इस बॉम्ब ने हाइट ट्रेवल की है 1000 मीटर और मैं ये भी बोल सकता हूँ इस बॉम्ब ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस बॉम्ब ने डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने का भाई 5 किलोमीटर का और ये डिस्टेंस कैसा है डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल है ना। तो अभी इसने मैं अभी यहाँ पे दो बातें देख सकता हूँ कि बॉम्ब ने क्या किया भाई एक हाइट ट्रेवल किया 1000 मीटर का और एक इसने क्या करा भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया कितने का 5 किलोमीटर करेक्ट। नाउ अभी ये जो मोशन है बॉम्ब का अभी आप इसको अगर वाई एक्सिस बोल दो अगर आप इसको यहाँ पे एक्स एक्सिस बोल दो तो इस बॉम्ब का मोशन एक्स एक्सिस में हुआ कितना भाई 5 किलोमीटर और वाई एक्सिस में इस बॉम्ब का मोशन कितना हुआ 1000 किलोमीटर करेक्ट। नाउ पिछले चैप्टर में हम जो कुछ भी पढ़ रहे थे वो क्या था मोशन इन वन डायमेंशन, एक ही डायमेंशन में बॉल क्या होती थी मूव करती थी एक ही डायमेंशन में सब कुछ हमारी कहानी होती थी, बट नाउ अभी क्या हो रहा है दो डायमेंशन में जा रही एक एक्स में भी और एक वाई में है ना। सो दैट्स व्हाई इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं इस तरह के मोशन को बोलते हैं हम 2D मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। यस क्या यहाँ तक बात क्लियर है, तो क्या आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया कि अभी हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। यस टाइप करके बताएंगे थे सब लोग एवरीबॉडी। तो हम दो डायमेंशन में देखेंगे हम मोशन। यस एवरीवन हाँ जी यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। आजकल टीवी पर ज्यादा बॉम्ब वॉम्ब बहुत दिखा रहे हैं राफेल का ये सारी चीज है ना, इससे मैंने आपको एग्जांपल ज्यादा सूट करेगा इसलिए आपको मैंने ये बताया ऐसा बात ठीक है। तो ना अब देखिए यहाँ पे तो ये हो गया तो रॉकेट वॉकेट हो गया उतना ही देखते हैं रॉकेट। नाउ नेक्स्ट अभी देखिए तो अभी हम अपने काम की बातें करते हैं हम अभी पढ़ेंगे क्या हम वो देखें ना अभी। तो अभी मान लो हमारे पास एक यहाँ पे एक बॉल है ना, मेरे पास क्या है यहाँ पे एक बॉल है और इस बॉल को मैंने क्या किया अभी तक तो हम ऐसे जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना कैसे खेलते हैं ऐसे कैसे हाथ से ऐसे सब जमीन के सरफेस के पैरल ऐसे बॉल जाती है और बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिर बॉल को कैसे फेंकते हैं ऐसे फेंकते हैं है ना, तो एक थोड़े से एंगल पर फेंकते हैं। तो अभी आप लोग बड़े हो चुके हो तो मोशन इन वन डायमेंशन से निकल के अभी 2 डायमेंशन में जाएंगे और बॉल को भी हम ऐसे फेंकते हैं ना। तो मान लीजिए इस बॉल को आप क्या करते हो ऐसे फेंकते हो यहाँ पे एक बॉल है तो अभी देखिए ध्यान से जब इस बॉल को हम ऐसे फेंका करते थे तो हॉरिजॉन्टल से इसकी बॉल की डायरेक्शन का एंगल कितना बन रहा है तो 0 डिग्री बन रहा है, बट अभी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बन रहा है यहाँ पे थीटा, क्या बन रहा है यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। नाउ अभी आपने इस बॉल को यहाँ पे फेंका तो ये क्या हो गया भाई ये बॉल कुछ आपका ऐसे जाएगा है ना और यहाँ पे ये बॉल ऐसा दिख जाएगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे बॉल क्या हो गया भाई ये जो है आपका है दिस इज कॉल्ड द टॉप मोस्ट पोजीशन है ना। तो आप बॉल को फेंकते हो आपने बॉल को ऐसे फेंका तो बॉल क्या होगा एक मैक्सिमम हाइट तो कवर करेगा ही उसके बाद ये बॉल ऐसे नीचे ट्रेवल करके आ जाएगा है ना। तो सभी लोगों को पता है सभी लोगों ने बॉल लेके कभी ना कभी ऐसे फेंका होगा पहले कैसे फेंका होगा है ना, तो इसका जो पाथ होता है जो ट्रेजेक्टरी होता है कुछ ऐसे होता है ना। नाउ अगर इसको हम ढंग से एनालिसिस करें हर टाइम पे ईच एंड एवरी टाइम यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है एक यहाँ पे ग्रेविटी यहाँ पे इंपैक्ट हो रहा है नीचे की तरफ करेक्ट। तो अभी यहाँ पे ये जो हाइट है इसको क्या बोलते हैं इतनी हाइट को बोलते हैं एच मैक्स, ये हाइट क्या होता है भाई ये मैक्सिमम हाइट करेक्ट। सो नाउ अगर आप बॉल की पोजिशन को देखो यहाँ पे है ना पॉइंट ए पे देखो बॉल की पोजिशन को बी पॉइंट पे देखो आप सी पॉइंट पे देखो
ना। तो अभी क्या होगा, पार्टिकल अभी यहाँ पे इसका अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना लूँ 0, 0, तो पार्टिकल क्या होगा, ये पॉइंट ए पे थोड़ी सी हाइट गया वाई डायरेक्शन, है ना। पार्टिकल ने क्या किया भाई, थोड़ी सी हाइट कवर, ऊपर हाइट अटेन किया और नीचे से ये थोड़ा डिस्टेंस आगे चला, नीचे से क्या चला भाई, ये थोड़ा सा आगे डिस्टेंस कवर किया। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी पार्टिकल ने यहाँ पे कुछ का डिस्टेंस कवर किया और वर्टिकल डायरेक्शन में भी पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर। यहाँ पे बी पोजीशन पे देख लो तो पार्टिकल ने सिर्फ वर्टिकल पोजीशन पे क्या किया, थोड़ा ज्यादा हाइट ट्रेवल किया और हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे भी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी थोड़ा सा इन्होंने डिस्टेंस कवर किया। वही अगर आप पॉइंट सी पे देख लो तो अभी इसकी हाइट क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई, बट ये डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ पे इनका डिस्टेंस ये इंक्रीज हो गया। करेक्ट, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? तो नाउ जब बॉल ये अपनी जब फाइनल पोजीशन पे आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि फाइनल पोजीशन जो है क्या है भाई, ये इस पोजीशन इज कॉल्ड रेंज, है ना। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रेंज। और ये जो हाइट होती है इस हाइट को बोलते हैं हम एच मैक्स या फिर मैक्सिमम। करेक्ट, तो ये दो चीजें हो गई है। और नाउ पॉइंट इसको मान लेते हैं हम यहाँ पे पॉइंट एक्स, और ये हो गया हमारा पॉइंट वाई। तो पॉइंट एक्स से वाई आने तक जो टाइम लगता है उस टाइम को बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। मतलब टोटल टाइम लगा एक्स से वाई में जाने, है ना। तो इन तीन चीजों की हम स्टडी करेंगे, तीन चीजों की फॉर्मूलेस हम देखेंगे। यहाँ पे हमारा ये एच मैक्स क्या है, हमारा ये रेंज क्या है, और हमारा ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है ना। इन तीन चीजों को हम चैप्टर में पहले स्टडी करें, इनके फॉर्मूलेस वगैरह हम बाकी सारी चीजें हम निकालें। ओके, तो ये एनालिसिस आपको थोड़ा समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम मूव करते हैं। सो आपने एक चीज पढ़ रखी है वेक्टर में, दिस रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, है ना, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में क्या होता है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ पे अपने एक फोर्स वेलोसिटी वी से इसको फेंक दिया एट एन एंगल थीटा, तो क्या होता है भाई, एक वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी होती है और एक वेलोसिटी एक वर्टिकल डायरेक्शन में भी। तो ये क्या होता है, ये वाली वेलोसिटी होती है आपके पास v cos थीटा और ये वाली वेलोसिटी क्या होती है आपके पास यहाँ पे v sin थीटा, है ना। मतलब जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी भाई, v sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, v cos थीटा। So, अभी देखो यहाँ पे आई डोंट थिंक इसमें किसी बच्चे को डाउट है, v sin theta, v cos theta, है ना, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। सो अभी देखिए ध्यान से, जहां पे भी ऐसा मान लो कि कोई भी अगर आपके पास यहाँ पे फोर्स एफ है, यहाँ पे मान लीजिए एंगल थीटा है, जहां भी ये थीटा वाला होता है उसके नीचे वाला कॉम्पोनेंट देते हैं यहाँ पे cos, है ना, और ऊपर वाला कॉम्पोनेंट क्या देते हैं यहाँ पे sin, हो गया आपके यहाँ पे f sin theta। करेक्ट, ये हो गया हमारा f cos थीटा और ये हो गया हमारे पास f sin थीटा, है ना। नाउ अभी देखिए, अगर आप ध्यान से देखो तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इस बॉल को हम ऐसे इंक्लाइंड पे फेंक रहे हैं, ऐसे थोड़ा सा ही इंक्लाइंड करके हॉरिजॉन्टल से एंगल को हमने क्या किया, थोड़ा सा ऐसा थीटा एंगल को इंक्लाइन किया है और उसको ऊपर फेंक रहा है। नाउ अगर मान लो हम इसको v वेलोसिटी से फेंकते हैं तो अभी इधर की वेलोसिटी क्या आ जाएगी आपके पास, ये आएगी आपके पास v cos थीटा, है ना, और ऊपर ऊपर की तरफ एक और वेलोसिटी आएगी, दैट वेलोसिटी इज शेयर v sin थीटा। हाँ जी करेक्ट है, तो यहाँ v cos थीटा और यहाँ आपके पास v sin थीटा है। तो अब देखिए पार्टिकल का हमने यहाँ पे ट्रैजेक्टरी ड्रॉ किया था, तो ये कैसा आया भाई, ये ट्रैजेक्टरी इसका कुछ यहाँ पे ऐसा है। करेक्ट, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखो ऑब्जर्व करो तो पार्टिकल कुछ हाइट पे ट्रेवल कर रहा है और कुछ पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक रेंज भी कवर कर रहा है ना। तो कुछ एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेंज भी है और ऊपर की तरफ क्या है इनके पास एक हाइट भी है। करेक्ट, तो अभी देखिए पार्टिकल के पास दो वेलोसिटीज है, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक यहाँ पे इनके पास वर्टिकल वेलोसिटी। सो ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये क्या हेल्प कर रहा है पार्टिकल को, पार्टिकल को हेल्प कर रहा है इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने, और जो वर्टिकल वेलोसिटी है v sin थीटा ये पार्टिकल को हेल्प कर रहा है इधर ऊपर जाने की, है ना। तो अभी हमारे पास दो वेलोसिटी हो जाएंगी, एक हो जाएंगी हमारे पास ये वाली x डायरेक्शन में और ऊपर हो जाएगी हमारे पास y डायरेक्शन। करेक्ट, सो ये क्या है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ना प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जस्ट हम क्या करते हैं इसमें, पार्टिकल की जो एनालिसिस होती है ना हम अलग अलग करते हैं, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन, है ना। सो नाउ अभी यहाँ पे देखो इसका हम एनालिसिस करेंगे दो डायरेक्शन, एक x डायरेक्शन में और दूसरा हम y डायरेक्शन। करेक्ट, सो नाउ अगर आप ध्यान से देखो
तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो x डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी है ना, इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम vx। तो vx वेलोसिटी कितनी है भाई, vx जो है हमारे पास कितना है, v cos थीटा, करेक्ट। y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, तो vy, ये vy कितना है, दैट इज इट इज हियर v sin थीटा, है ना। नाउ जैसे आप किसी बॉल को नीचे से ऊपर छोड़ते हो तो क्या होता है भाई, हमारे पास एक एक्सेलरेशन होता है, दैट एक्सेलरेशन इज -g m/s, है ना। हमेशा क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, तो दैट इज दैट विल बी इक्वल टू -g m/s। ओके, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी आएगा अभी, तो हमारे पास एक्सेलरेशन किधर है भाई, वाई डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन कितना आ गया हमारे पास भाई, -g m/s। ओके, सो अभी देखिए, आप मुझे ये बताओ कि जब हम हाइट हमें कैलकुलेट करना है, जब हमें पार्टिकल की हाइट कैलकुलेट करनी है, तो कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी, एक्स वाली वेलोसिटी या फिर वाई वाली वेलोसिटी। यस, टाइप करके बताएं, अगर पार्टिकल को हाइट ट्रेवल करना है, आलोक एक्स हाइट 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 कौन सी वेलोसिटी भाई, वाई वाली वेलोसिटी हाइट ट्रेवल कराएगी ना आपको। यस, वाई वाली वेलोसिटी, करेक्ट। ओके, तो यानी कि अगर हमें एच मैक्स निकालना है, तो कौन सी वेलोसिटी यूज करेंगे हम वहां पे, उस टाइम पे हम वेलोसिटी यूज करेंगे, हम वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी यूज करेंगे। इस डायरेक्शन की वेलोसिटी भाई वाई डायरेक्शन की, है ना। अब अगर मान लीजिए मुझे रेंज निकालना है, तो रेंज निकालना है तो कौन सी वेलोसिटी हेल्प करेगी भाई मुझे, एक्स वाली और वाई वाली। रेंज निकालना है, रेंज के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी, यस एक्स वाली, एक्स वाली, यस एक्स वाली। सबको समझ में आ रहा है, जब आपको रेंज निकालना हो तो एक्स वाली वेलोसिटी, हाइट निकालनी हो तो वाई वाली वेलोसिटी, करेक्ट। इतना सबको पता है, सबको समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट, अभी हम यहाँ पे बात करेंगे, तो मैंने आपको जैसे बताया कि तीन डेरिवेशन हमें निकालने हैं, एच मैक्स निकालना है, एक रेंज निकालना है, और एक निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, करेक्ट। सो नाउ अभी देखिए, आपको मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा रखा है, अच्छे से पढ़ा रखा है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी सब कुछ आपको पता है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल को ऐसे नीचे से ऊपर फेंक दो तो ऐसे ऊपर जाएगा, फिर तो ऊपर से नीचे आएगा। और ये भी आपको बता रखा है कि पार्टिकल को जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगता है, उतना ही टाइम उसको ऊपर से नीचे आने में भी लगता है ना। तो आपको ये बता रखा है कि मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होती है भाई, सिमेट्रिकल होती है ना, ये सबको पता है, सबको पता है ना। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे ये पार्टिकल, इस पार्टिकल को नीचे साथ में ऊपर फेंक दिया, फिर ऊपर से पार्टिकल नीचे आया। तो जैसे मान लो कि नीचे से ऊपर जाने में पार्टिकल को मान लीजिए 2 सेकंड लगता है, तो पार्टिकल को ऊपर से नीचे आने में क्या लगेगा भाई, 2 सेकंड ही लगेंगे, है ना। तो ये क्या होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी सिमेट्रिकल होता है। और आपको ये भी बताया था कि यहाँ से मान लो u इज इक्वल टू 30 m/s से अगर आप इस पार्टिकल को ऊपर फेंक रहे हो, तो क्या होता है भाई, यहाँ पे वेलोसिटी नीचे से ऊपर जाता है और ऊपर यहाँ पे जाके फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी जाती है 0, और ये फिर ऊपर से नीचे नीचे आके इसकी वेलोसिटी यहाँ से ऐसे इंक्रीज करती है। जैसे ऊपर जाता है तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और फाइनल एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाती है 0, करेक्ट। ये सबको पता है। तो नाउ चलिए, अभी इस बात को हम रिटायर्ड मोशन में यूज करते हैं। तो नाउ अभी देखिए, यहाँ पे हमारे पास ऐसा, हमने बॉल को क्या किया, यहाँ पे थीटा एंगल पे जाके फेंक दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और यहाँ पे ये पार्टिकल भी ऐसे आके गिर गया, इसका ट्रेजेक्टरी मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया, है ना। सो नाउ अभी आपको पता है कि दो वेलोसिटी आएंगी आपके पास, यहाँ पे एक आएगा आपके पास v sin थीटा, है ना, v sin थीटा है, u sin थीटा लिख देते हैं, सिंस इट इज अ इनिशियल वेलोसिटी। हाँ भाई, क्या डाउट है, नहीं 5-10 मिनट्स विल गो मोर, थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, 5-10 मिनट्स मोर। तो अभी देखिए, यहाँ पे ये हमने यहाँ पे इस वेलोसिटी लिख लिया u sin थीटा, और इधर की वेलोसिटी आ गई हमारे पास ये u cos थीटा, है ना। दो वेलोसिटीज आ गई हमारे पास। सो नाउ अब देखिए, आपको ये पता है कि जब से पार्टिकल नीचे से ऊपर जाता है तो क्या होता है भाई, उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होती है, वेलोसिटी कम होती है, ये पता है सबको। नाउ जो अभी हमें क्या निकालना है, अभी यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं टाइम ऑफ लाइट, है ना, मैं यहाँ पे टाइम ऑफ लाइट कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला अभी यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो आपको ये पता है कि जैसे पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, सबको पता है।
सो अभी देखो दो हाफ में मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड किया है, इसको बोलूंगा बोल सकता हूँ यहाँ पे टी, या पर इसको बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे थीटा, मतलब एक बार नीचे से ऊपर गया और ऊपर से यहाँ पे नीचे आया, है ना। तो पहले चैप्टर में आपको ये बता रखा है कि दोनों में टाइम क्या लगता है, भाई सेम टाइम लगता है ना। सो नाउ अभी यहाँ पे देख लीजिए टी अप, तो यहाँ पे फॉर्मूला है हमारे पास वी इज इक्वल टू यू प्लस ए, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो हमें पता है कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ वी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। नाउ फिर देखिए ध्यान से, आपको ये पता है कि जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है तो वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू यू क्या था आपके पास, तो यू था आपके पास यू साइन थीटा। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी थी भाई, यू साइन थीटा माइनस जी टी, करेक्ट। नाउ अब देखिए कितना आएगा, यहाँ पे आपका यू साइन थीटा इज इक्वल टू हेयर जी टी, यानी क्या आ गया भाई, यहाँ पे आपका टी अप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू साइन थीटा अपॉन जी, करेक्ट। तो नीचे से ऊपर जाने में पार्टिकल को कितना टाइम लग गया भाई, तो यू साइन थीटा अपॉन जी लग गया, ओके। नाउ मोशन ऑफ ग्रेविटी क्या होता है भाई, मोशन ऑफ ग्रेविटी सिमेट्रिकल होता है, तो जो इसका जो टोटल टाइम लगेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो आएगा इनका, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपके पास टी अप प्लस टी डाउन, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आपके पास आएगा यू साइन थीटा अपॉन जी, टी डाउन नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा, तो हमने यहाँ पे यू साइन थीटा अपॉन जी, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये आ जाएगा आपके पास टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो आई एक फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया जी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो दैट इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन u sin थीटा अपॉन जी। नाउ अगर आप ध्यान से देखो तो u sin थीटा जो है कौन सी वेलोसिटी है, ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी है, तो इसको मैं ऐसा हम ऐसा भी लिखते हैं y डायरेक्शन की वेलोसिटी को u y भी लिखते हैं, है ना। u y का मतलब क्या होता है, ये होता है u y का मतलब होता है u sin थीटा, तो यहां पे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं टू यू वाई अपॉन जी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया हमारे पास टू यू वाई अपॉन जी। हाँ भाई ये समझ में आ गया सबको, यस। हाँ जी सोहेल क्या डाउट है, यहाँ तक समझ में आया भाई आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला मैंने, टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आएगा जी आपको, यस एवरीबॉडी, ये फॉर्मूला आपको समझ में आया, डेरिवेशन गिव रिस्पॉन्स, एनी डाउट। हाँ भाई बोलिए, सबको समझ में आ गया, आगे बढ़े एवरीबॉडी, सब लोग गिव रिस्पॉन्स फास्ट, है ना। ये आ गया हमारे पास टू यू साइन थीटा अपॉन जी आ गया, करेक्ट। एक और इसका तरीका होता है इसका डेरिवेशन निकालने का, वो भी हम यहाँ पे देखते हैं, वन मोर, एक और मेथड टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का। तो स्कूल में क्या करते हैं आपसे, ये पूछते हैं ना डेरिवेशन निकालने को, आपको ये पूछते हैं। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे ये आपके पास प्रोजेक्टाइल है, ये ऐसे सबके यहाँ पे ऐसे आ गया, नीचे आ गया, है ना। तो पूरे मोशन में, इन होल मोशन में अगर आप यहाँ पे देखो तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हुआ है ना, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या है, जीरो में, है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन इज जीरो, करेक्ट। ये आ गया यहाँ पे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है s इक्वल टू u2 माइनस हाफ gt स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, h क्या हो गया था हमारा, जीरो हो गया डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में, है ना। तो जीरो इज इक्वल टू u क्या है हमारे पास, u हमारे पास u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ g t स्क्वायर, तो भी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास u sin थीटा इनटू t इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ए थ्री से टी यहाँ पे क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया, तो आपके पास फॉर्मूला आ गया टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी। हाँ भाई, तो ये एक अगला हमने दूसरा तरीका हमने निकाल दिया, डायरेक्ट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, तो दूसरी बार भी किया तो कितना आ गया टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, तो पार्ट में तोड़ तोड़ के निकाला, फिर भी आया हमारे पास टू यू साइन थीटा अपॉन जी, करेक्ट। तो यहाँ पे सबको समझ में आया भाई, तो चलिए यहाँ पे टाइम हो गया हमारा, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, ये दो चार क्वेश्चन है मैं आपको मैं भेज दूंगा,
भाई, और तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। एक्सप्लेन पी डाउन, पी डाउन आप देखो पिछले लेक्चर को जाकर देखो, आप मोशन अंडर ग्रेविटी का लेक्चर आप जाकर देखो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि ऊपर से नीचे आया पार्टिकल तो भी कितना लगता है, देखिए यहाँ पे नीचे से ऊपर गया, तो टी एफ का भी यहाँ पे मैंने डेरिवेशन कराया है और टी डाउन का भी डेरिवेशन कराया है। तो इस डेरिवेशन को मैंने डायरेक्ट अभी यूज कर लिया। जैसे देखिए टी एफ जाने में लगता है कितना आपको, यू बाई जी, है ना, तो टी डाउन में भी लगता है यू बाई जी, है ना, ये डेरिवेशन कराया है मैंने। आप क्लास में होंगे तो पलट के देखिए पीछे पन्ने पन्नों को, तो मैंने ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन क्या किया, डायरेक्ट अभी यहाँ यूज कर लिया। ओके हर्षल, हर्षल भाई आप जाके देखो, है ना। ओके हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके एनी डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके हाँ भाई बताइए और क्या डाउट है। अटेंडेंस लगा लीजिए सब लोग। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टू न्यू स्टूडेंट्स अंकुर एंड मानो, अंकुर एंड मानो हाँ आप लोग स्टे कर सकते हो, ऑल कैन स्टे, रेस्ट ऑफ कैन लीव। थैंक यू वेरी मच। चलो ऑल प्रेजेंट है, सबको प्रेजेंट लगा दूंगा आज। ये संपूर्ण मानो आप बताइए, संपूर्ण मानो